हेलो नमस्कार। देखिए, हर रोज़ बॉलीवुड हो गया, साउथ हो गया, तमिल तेलुगू हो गया या फिर पंजाबी मूवीज़ होगी, इनके बारे में तो बॉक्स ऑफिस अपडेट्स चलते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ हट के भी करना चाहिए। तो मराठी मूवीज़ कहीं ना कहीं एक ऐसा सिनेमा है जहाँ से एक्सीलेंट मूवीज़ हर साल निकलती हैं। लैंग्वेज बैरियर के कारण ये मूवीज़ कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बेल्ट यानी कि ऑल ओवर इंडिया में थिएटर्स में नहीं लग पाती, लेकिन फिर भी जो इनका कंटेंट होता है वो एक्सीलेंट होता है, सुपर्ब होता है। जिस तरह से साउथ की मूवीज़ जो है डब कर हिंदी में मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मराठी सिनेमा में भी उन्हें भी एक ट्राई करना चाहिए कि वो डब करके हिंदी में मूवीज़ को रिलीज़ करें या फिर अदर लैंग्वेजेस में रिलीज़ करें। लेकिन चलिए, अब मैं जो खास रिपोर्ट या आप कह सकते खास वीडियो ये लेकर के आया हूँ, ये है सूबेदार मूवी को लेकर के। सूबेदार मूवी को रेटिंग तो जितनी ज़बरदस्त ऑडियंस से मिली है या फिर IMDB, बुक माई शो या फिर ऑनलाइन भी देख लें तो इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भी ये मूवी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब मूवी ने अभी तक कितना अच्छा परफॉर्म कर लिया है, क्या क्या मूवी के कलेक्शन है, चलिए बात कर लेते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है दिग्पाल लेंजकर ने और मूवी मराठी है। सूबेदार मूवी का नाम है, एक्सीलेंट नंबर्स में मूवी ने ओपन किया है। फ्राइडे में मूवी का कलेक्शन था 1,55,00,000। मैं आपको बता दूं, मराठी मूवी और वो भी करोड़ में ओपनिंग लेना एक बड़ी बात होती है, खास करके लो बजट मूवीज़ के लिए। तो 1,15,00,000 इस मूवी का जो है वो हमारा बजट है, सॉरी कलेक्शन है पहले दिन का, और सैटरडे में 1,70,00,000 और संडे में 2,22,00,000, यानी कि मूवी का टोटल कलेक्शन जो होता है वो होता है 5,06,00,000। और वहीं अगर मैं मंडे की बात करूँ तो मंडे के दिन मूवी जो है लगभग 1,00,00,000 के आसपास का कलेक्शन और कर जाएगी। आने वाले दिनों में इस मूवी को रक्षाबंधन हॉलीडे होगा उस पर भी कहीं ना कहीं एक जंप देखने को मूवी को मिलने वाला है। तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन फर्स्ट 4 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो मूवी इजीली 6,00,00,000 का कलेक्शन क्रॉस कर जाएगी। तो पहले वीकेंड की ये जो कमाई मूवी ने की है वो एक काफ़ी अच्छी कमाई है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। वेल, आप लोग मुझे बताएं कि अगर आपने ये मूवी थिएटर्स में देखी है तो आपको इस मूवी के बारे में क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि ये मूवी आने वाले दिनों में भी बड़े से बड़े नए रिकॉर्ड बना सकती है या फिर नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।